तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन और एक नया वीडियो आपके सामने। मेरे पास एक पोको M2 या 9 Prime जिसको बोलते हैं, ये डेड कंडीशन में आया है और बहुत छेड़ के आया है। इसमें थोड़ा यूनिक प्रॉब्लम है, बकलाइन शॉर्ट है। तो बकलाइन शॉर्ट है तो क्या करें, क्या CPU चेंज करना पड़ेगा? तो पहले मैं आपको DC रीडिंग दिखा देता हूँ। DC रीडिंग देखिए, मैं DC जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, आप ऊपर साइड में देखिए, कभी कभी हाई बूटिंग चला जाता है, कभी लो बूटिंग है, मतलब 0.23 0.34 इस तरीके से चला जाता है। अब उसके बाद मैं आपको चार्जिंग एम्पियर वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये जो फॉल्ट है दोस्तों, ये 9 पावर या 9 प्राइम में बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको बकलाइन शॉर्ट है या नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर मेरे साइड में दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों ग्राउंड की GR टेस्ट करके, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला जो ओके है लाइन, उसके बाद देखिए ये लाइन जो है शॉर्ट दिखा रहा है ना, ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब मैं अगर ये दोनों प्रोब को जोड़ दूँ, दोनों प्रोब को आपस में जोड़ दूँ, दोनों प्रोब को आपस में जोड़ने के बाद मल्टीमीटर में मैं रीडिंग देखता हूँ क्या रीडिंग है। अब देख सकते हैं 0.1 0.2, और इसमें लगाता हूँ देखिए, देख सकते हैं 0.3, मतलब ये जो लाइन है ये शॉर्ट है। अब बाकी के जो बाक लाइन है वो सारे ओके है, देख सकते हैं 300 सारे में रीडिंग आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। लेकिन वही एक बक लाइन है जहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो लाइन कौन सा है क्या है, हम सबसे पहले उस बक कॉयल को रिमूव करेंगे और रिमूव करके चेक करेंगे कि वो बक कॉयल कि पावर साइड शॉर्ट है या CPU साइड शॉर्ट है। अगर CPU साइड शॉर्ट होगा तो भी हम प्रॉब्लम फिक्स करना सिखाएंगे आपको, और पावर तरफ शॉर्ट होगा तो भी आपको प्रॉब्लम फिक्स करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉयल रिमूव कर लेता हूँ। कॉयल रिमूव करने के बाद मैं एक तरफ GR आ रहा है जो पावर की तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है, वो शॉर्ट आ रहा है, ये दूसरी तरफ शॉर्ट आ रहा है, एक तरफ GR आ रहा है। तो मैं बीट मैप खोला, बीट मैप खोलने के बाद मैं वही फोन है, ये देख सकते हैं ये लाइन जो है हमारा जा रहा है हमारे पावर IC के अंदर, और ये दूसरी जो लाइन है ये जा रहा है मेरा EMMC के अंदर, और एक ऐसा लाइन है जो CPU के अंदर भी जा रहा है, एक लाइन मेरा CPU के अंदर जा रहा है, EMMC और CPU दोनों के अंदर जा रहा है। तो हम सबसे पहले EMMC की IC को रिमूव करेंगे, हो सकता है RAM की वोल्टेज की लाइन हो, तो इसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग जो है वो गायब हुआ कि नहीं। अगर शॉर्टिंग चला गया तो इसको रिवॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेस्टेड IC को रिमूव कर लेता हूँ। पेस्टेड IC रिमूव करना दोस्तों बहुत ही आसान है, मेरी पुराना बहुत सारे वीडियो है उसमें देखिए। हालांकि मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपको मैं सिर्फ समझाने आया हूँ कि बक कॉइल अगर शॉर्ट होता है तो क्या करना पड़ता है, किस तरीके से समझना पड़ता है क्या चीज़ ख़राब है। तो हम इसको वॉश कर लेते हैं, और मैं देख सकते हैं मैं पेस्ट EMMC EMMC PIC को मैं रिमूव कर लिया। अब रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे जो कॉयल है वहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं मल्टीमीटर को ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। अब ये दोनों प्रोब जोड़ा, और एक तरफ जो हमारा रीडिंग आना चाहिए वो आ रहा है, दूसरी तरफ शॉर्ट आ रहा है मेरा, है ना, ये लाइन शॉर्ट आ रहा है दूसरी तरफ। तो इसका मतलब जो है ये मेरा CPU से भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए फटाफट हम CPU को रिमूव करेंगे, CPU को रिमूव करके चेक करेंगे और क्लीन करके चेक करेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है कि दोनों आप पावर खोल देंगे, ये खोल देंगे, ऐसा खोल देंगे, पावर रिप्लेस कर देंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। तो मैं जिस तरीके से पेस्टेड IC निकालता हूँ, मेरे से तो एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होता है। अगर आप भी इस तरीके से काम सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मेरी वीडियो तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है वीडियो बहुत फास्ट है तो यूट्यूब में ऑप्शन भी आता है वीडियो स्लो करके देखने के, ठीक है, आप उससे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दोनों प्रोब में शॉर्टिंग आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे कि शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग आ सकता है, रीडिंग आ गया 500 के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रीडिंग है ये अभी रीडिंग आ चुका है। अब मैंने जो CPU रिमूव किया था, इस CPU को क्लीन करके फिक्स करूँगा और चेक करूँगा कि शॉर्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि CPU फिक्स करने के बाद भी
अगर हमारा ये लाइन शॉर्ट आता है तो इसका मतलब मेरा सीपीयू शॉर्ट हो चुका है। अगर सीपीयू शॉर्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीपीयू को भी चेंज करवाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है फिक्स करेंगे। तो चलिए, मैं सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया हूँ, रिवॉल्व करने की वीडियो नहीं दिखाया हूँ ताकि आप रिवॉल्व करना क्या दिखाएं आपको। तो यहाँ पे सीपीयू को मैं फिक्स कर लेता हूँ। सीपीयू फिक्स करने के बाद वापस वो रीडिंग चेक करेंगे कि हमारा जो रीडिंग है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे चीज़ मैटर करता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट हो सकता है ना, और ये बक लाइन से और क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। मैं नेक्स्ट और एक वीडियो लाऊंगा इसी मॉडल में, जो सीपीयू चेंज मेथड किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉडल में काफ़ी होता है कि सीपीयू चेंज शॉर्ट होता है। तो ये मैंने हीट एयर दे के थोड़ा सा यह बोर्ड को ठंडा कर लिया हूँ। अब फिर से जीआर चेक करते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग आ चुका है, जो शॉर्टिंग आ रहा था यह भी रीडिंग आ चुका है। इसका मतलब कि मेरा जो सीपीयू था वो हो सकता है किसी ने हीट मारा होगा, या तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक ड्राई सोल्ट के कारण शॉर्टिंग आ गया हो। अब जो है हम एमएमसी आईसी या स्टोरेज आईसी को लगा लेते हैं। क्या लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चालू हो रहा है कि हैंडसेट या नहीं। दोस्तों, कोई भी काम होता है तो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जल्दबाजी में आप पावर आईसी रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, ऐसे में नहीं होता है काम। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मेरी वीडियो बनाने के बाद कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ मैं आपको आप कमेंट करके थोड़ा बताइए कि वीडियो बनाने में एक बार कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये देख सकते हैं अभी भी रीडिंग आ गया है, ओके रीडिंग है। अब हम वो जो बक कॉइल हमने निकाले थे उसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना फ़ोन ऑन होने वाला नहीं है, क्योंकि सीपीयू तक वोल्टेज पहुँचेगा नहीं, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लगाने के बाद फिर चेक करते हैं कि फ़ोन का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ना तो उसका जो फोल्डर था वो ख़राब था कनेक्टर, तो मैंने दूसरा फोल्डर लगाया, तो फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया। आपका एक प्यारा सा कमेंट दे के जाइएगा किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आशा कर